आपने देखना शुरू किया है जनतेचे मत लायू। मैं फेरोज मनियार, देखते हैं आज की ताजा खबरें। लातूर जिले के औसा पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह। बारात लौटी 5 लोगों पर मामला दर्ज। दुल्हा और दूल्हे के चाचा को किया गया गिरफ्तार। देखते हैं अब विस्तार से। बाल विवाह जैसी कुरीति आज के दौर में मौजूद है। पुलिस की कोशिश के कारण औसा के एक किशोरी बाल विवाह जैसी कुरीति का शिकार होने से बच गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने बाल विवाह को रुकवा दिया। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र हाउस में 13 वर्षीय रंजना मोतीराम राठौड़ के विवाह की सूचना गांव के एक शख्स ने औसा पुलिस को दी थी। रंजना कक्षा 7 की छात्रा है। उसकी शादी औसा के एलचेत्ते के उसके चाचा ने तय की थी। प्रवीण एक पान दुकान चालक है। परिजनों को पुलिस की कार्रवाई का डर था, इसलिए पूरा कार्यक्रम काफ़ी गोपनीय रखा गया था। महज 13 साल की कक्षा की 7 की रंजना की मासूमियत को देखकर कई लोग उसकी शादी के खिलाफ हो गए थे। गांव की कई समझदार महिलाएं भी इस शादी के रुकाने के लिए प्रयास में थी। इन्हीं में से किसी ने गुरुवार को औसा पुलिस को बताया और औसा पुलिस ने झट से कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दूल्हा और चाचा को हिरासत में लिया। आगे की जांच औसा पुलिस कर रही है। औसा से इलियास चौधरी, औसा लातूर। सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली कि MIDC औसा के अंदर एक 13 साल की नाबालिग लड़की का विवाह होने जा रहा है, इसलिए हम तत्काल स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। 13 साल की लड़की को हमने ताबे में लिया और 5 लोगों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 9-10-11 के तहत मामला दर्ज किया। उन लोगों को ताबे में लेके 2 आरोपी को अटक किया, जिसमें लड़की का दूल्हा और लड़की के चाचा गिरफ्तार है। आगे का तपास चालू है और तपास मैं खुद कर रहा हूँ।